good afternoon students today we are going to revise our second chapter of our subject business services one okay we are having a quick revision of the topics covered in this chapter business services one we will revise them quickly so first we had seen introduction about the business services okay and that we have seen that importance of services are is increasing day by day okay in our economy we are using this various services which are available to us which makes our work what fast and speedy so the rise of the facilities is also increasing it provides us convenience in our work. like banking, insurance, postal, storage, transportation, etc. this all are various services which are being provided to us. okay, for our business, which help us to develop and grow our business and help us to perform our activities smoothly, perfectly. so they are very much important okay they help in business not only in business it also help in various industries agriculture sector and other various business activities prevailing in our society in our market okay services are like banking insurance postal storage transportation and many others like this okay we also use these services for our social purpose and family related matters okay we also use these services in for our personal matters so day by day the use and the importance of these services is increasing and all are using these services okay so it is all these institutions have become naturally interdependent any industry any form और डिपेंडेंट ऑन ईच अदर ओके दो लोग क्या एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं कोई किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है ठीक है बैंकिंग सर्विस पोस्टल में भी प्रोवाइड की जाती है ओके okay? पोस्ट वाले बैंक पे भी डिपेंड करते हैं बिजनेस बैंकिंग सर्विसेज पे डिपेंड करती है स्टोरेज के लिए यूज कर स्टोरेज पर डिपेंड करती है बिजनेस को ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत पड़ती है ओके okay? सब क्या है इंटरडिपेंडेंट है ये क्या था इंट्रोडक्शन पार्ट था बिजनेस सर्विसेज का ओके फिर हमने क्या देखा था इंश्योरेंस वी हैव सीन अबाउट द इंश्योरेंस इट्स मीनिंग इट्स प्रिंसिपल्स ओके वाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस इंश्योरेंस मीन्स एनी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज थ्रू विच द इंश्योरी पेस प्रीमियम एंड एस अगेंस्ट गेटिंग एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द इंश्योरेट ही विल बी कंपनसेटेड एज पर द रिस्क कवर एंड द अमाउंट डिसाइडेड फॉर द फिनेंशियल लॉस इंश्योरेंस में दो पार्टी होती है इंश्योरी इंश्योरर दोनों के बीच में रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों पार्टीज के बीच में इंश्योरी ये प्रोमिस करता है कि मैं टाइम से प्रीमियम भरता रहूँगा ठीक है जिसके जो इंश्योरेंस पॉलिसी उसने ख़रीदी है उसके लिए वो प्रीमियम भरेगा जब भी वो टाइम पीरियड डिसाइडेड होगा उस उस टाइम पे वो प्रीमियम भरेगा ठीक है और इंश्योरर क्या प्रॉमिस करता है कि जब आपको रिस्क होगा कोई लॉस होगा फिनेशियल लॉस होगा तो मैं आपको कंपनसेट करूँगा आपका लॉस कवर करूँगा ओके सो दिस इज़ इंश्योरेंस ओके वो क्या है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न फॉर्म में होता है उसे इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं ओके इंश्योरेंस रिस्क को हटा नहीं सकता वो रिस्क को, कोई डैमेज होने से रोक नहीं सकता बस उसका काम क्या है कुछ रिस्क हुआ है कोई डैमेज हुआ है कोई लॉस हुआ है उसे कंपनसेट करना ओके उसका भरपाई करना ये इंश्योरेंस का काम है ओके फिर हमने इंश्योर प्रिंसिपल्स देखे थे वी हैव सीन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस ओके इंश्योरेंस आर कनेक्टेड विद सोसाइटी एंड इट्स एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज ओके इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज वी हैव सीन दैट स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये ओके okay? सो so, हम फर्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं पहला प्रिंसिपल क्या है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है ओके okay? दोनों पार्टीज जो इन्वॉल्व है इंश्योरर इंश्योरी दोनों के बीच में फेथ होना विश्वास होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इंश्योरेंस के लिए ओके मेन ऑब्जेक्टिव इंश्योरेंस का प्रॉफिट करना नहीं होता है ठीक है उसका मेन पर्पस क्या होता है कंपनसेट करना जो लॉस हो रहा है उसको ठीक है वो क्या करता है इंश्योरी का लॉस कवर करता है ओके okay? उसे हेल्प करता है जब उसे फिनेंशियल लॉस होता है ओके okay? जब भी कॉन्ट्रैक्ट में ये लोग आते हैं जब इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी जाती है ये ज़रूरी है कि दोनों पार्टी में से कोई भी एक दूसरे से कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाए नहीं सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कंपलसरी है अदरवाइज द इफ अगर बाद में कंपनी को पता चलता है कि हमने कोई चीज़ छुपाई थी जिसके वजह से कंपनी को कोई प्रॉब्लम आ रही है कॉन्ट्रैक्ट तो फिर क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा उसी समय ओके okay? जो हमने पॉलिसी ली थी वो उसी समय बंद हो जाएगी हमें कोई तरीके का लॉस कवर नहीं किया जाएगा हमें कोई पैसे नहीं मिलेंगे इसलिए ये जरूरी है कि सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाए चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो चाहे वो हम हो इंश्योरी ओके okay? तो ये क्या था प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ कोई फ्रॉड नहीं करना है अदरवाइज इंश्योरेंस एग्रीमेंट विल बी नल एंड वॉइड वो कैंसिल हो जाएगा और इंश्योरें को कोई प्रीमियम अमाउंट वापस नहीं मिलेगा ठीक है और ना ही कोई कंपनसेशन उसे मिलेगा फिर क्या है प्रिंसिपल ऑफ इंडिटी सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ इमडनिटी इन दिस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड टू कंपनसेट फॉर द लॉस इंकर्ड बाय द इंश्योरी सो द मेन ऑब्जेक्टिव इंश्योरेंस इज़ दी इंश्योरेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मेन ऑब्जेक्टिव इंश्योरेंस का है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इंडेमनिटी क्या होता है दिस प्रिंसिपल इज़ यूज टू डिसाइड हाउ मच द इंश्योरेंस कंपनी विल हैव टू पे टू द इंश्योरी इन द इवेंट ऑफ लॉस इंकड इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा भरेगी जब इंश्योरी को कोई लॉस होगा तब कितना कंपनसेशन देना होगा ओके अ पर्सन नॉट अर्न प्रॉफिट फ्रॉम एनी इंश्योरेंस पॉलिसी हम उसमें से प्रॉफिट नहीं कर सकते सिर्फ हमें जो हमारा लॉस है उतने ही पैसे हमें मिलेंगे ओके okay? कोई एडिशनल अमाउंट हमें नहीं मिलेगा ठीक है इफ एन इंश्योरी टेक्स अ पॉलिसी फॉर प्रोडक्ट एट लोअर वैल्यू अगर हम ओरिजिनल वैल्यू की जगह कम वैल्यू में इंश्योरेंस खरीद रहे हैं पाँच लाख की जगह तीन लाख का पॉलिसी ले रहे हैं तो हमें तीन लाख के हिसाब से ही लॉस कवर किया जाएगा पाँच लाख के हिसाब से हमें कोई पैसे नहीं मिलेंगे जितने की पॉलिसी ली है उतने का ही आपको भरपाई किया जाएगा ओके बाकी का जो पैसा होगा वो इंश्योरी को खुद भरना पड़ेगा तो ये क्या था दिस वॉज़ द प्रिंसिपल ऑफ़ इंडेमिटी ओके देन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इंश्योरी जिस चीज़ का पॉलिसी ले रहा है उसके लिए जरूरी है कि उस चीज़ में उसका इंटरेस्ट हो फिनेशियल इंटरेस्ट हो अदरवाइज वो चीज़ का वो केयर ही नहीं करेगा केयर नहीं करेगा तो डैमेज लॉस होना निश्चित है वो तो होना ही है इसीलिए कंपनी ये देखेगी कि इंश्योरी जिस चीज़ का पॉलिसी ले रहा है उसे उसमें फिनेंशियल इंटरेस्ट है कि नहीं नहीं होगा तो पॉलिसी नहीं मिलेगा ओके द ओनर ऑफ द हाउस हैज़ फिनेंशियल इंटरेस्ट इन हाउस हमें हमारे खुद के घर में इंटरेस्ट रहता है कि हम अपने घर को बचा के रखें कोई भाड़े वाले कोई रेंट पे हमारे घर में रह रहा है तो उसे इतना टेंशन नहीं होगा इतनी चिंता नहीं होगी हमारे घर को बचाने की वो कैसे भी यूज़ करेगा सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए ओके फोर्थ इज़ प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इसमें क्या है जो भी लॉस हमें हो रहा है ओके okay? डैमेज जो हो रहा है अगर हमारा कोई चीज़ फुल्ली डैमेज हो जा रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेशन देगी पर जिस चीज़ का हमने इंश्योरेंस लिया था जो कि पूरा डैमेज हो चुका है उसका ओनरशिप कंपनी के पास चला जाता है ओके फुल्ली डैमेज प्रोडक्ट्स ओनरशिप विल बी विद दी इंश्योरेंस कंपनी दिस इज़ व्हाट प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ओके सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स अटमोस्ट गुड फेट िटी इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड सब्रोगेशन देन वी हैव सीन टाइप ऑफ इंश्योरेंस ओके दो टाइप के इंश्योरेंस है लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस के अंदर और दो पार्ट है होल लाइफ इंश्योरेंस एंडोमेंट इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में क्या है गुड ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस है फायर इंश्योरेंस है अदर जनरल इंश्योरेंस है ओके इन सभी इंश्योरेंस के बारे में हम यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे हमने देखा था जो हम रिवाइज़ करेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या है लाइफ इंश्योरेंस है उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है होल लाइफ इंश्योरेंस है ओके सो व्हाट हैपेंस इन होल लाइफ इंश्योरेंस सपोज द पर्सन हैज टेकन द इंश्योरेंस पॉलिसी डाइज ओके अगर वो मर जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो अमाउंट जो पॉलिसी ली गई थी ठीक है उसका जो पैसा है वो उसके लीगल हेयर उस उसके बच्चों को वो कंपनी दे देती है ओके जो भी प्री डिसाइडेड सम अमाउंट था वो उतना लीगल हेयर को दे देती है अगर पॉलिसी होल्डर मर जाता है तो, तो ये क्या होता है होल लाइफ इंश्योरेंस होता है ओके जिसमें हमें टाइम से टाइम पीरियोडिक प्रीमियम भरने रहते हैं हमारी लाइफ तक ठीक है हमें क्या है एक सपोज़ साल में एक बार प्रीमियम भरना रहता है जो जब तक हमारा लाइफ है तब तक हम भरते रहते हैं प्रीमियम ओके लाइफ इज प्रिशियस सो हैंस देर नॉट बी एनी प्राइस डिसाइडेड हमारी लाइफ का कोई वैल्यू डिसाइड नहीं किया जाता वो बहुत ही प्रिशियस है फिर भी ऐसा अमाउंट डिसाइड करते हैं जिससे जो जिसका प्रीमियम जो है जो पॉलिसी ले रहा है उसका प्रीमियम भर सके उस पर कोई ज़्यादा लोड ना आए तो वो अपने हिसाब से पॉलिसी अमाउंट डिसाइड करता है और उतने का पॉलिसी लेता है ठीक है ये होता है होल लाइफ इंश्योरेंस में सेकेंड इज़ एंडोमेंट इंश्योरेंस ओके इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिसेज टू पे द पॉलिसी अमाउंट टू द इंश्योरेंस एट द एंड ऑफ द पॉलिसी पीरियड एक फिक्स पीरियड के लिए इसमें लिया जाता है बीस साल हो दस साल बीस साल तीस साल जो भी हो ठीक है जो पॉलिसी पीरियड डिसाइड किया जाता है उसके बाद वो उस ख़त्म हो जाता है पीरियड तो कंपनी क्या करती है हमें अपने हमारे पैसे दे देती है ओके अगर हम नहीं हैं तो हमारा जो लीगल है है उसे दे देती है इन द इवेंट ऑफ इज दैट अगर इंश्योरेंस जो होल्डर है जिसे पॉलिसी ली थी वो मर जाता है तो उसके लीगल हेयर को जब टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा इंश्योरेंस का जो पॉलिसी हमने ली थी तो उसके बाद कंपनी हमारे लीगल हेयर को दे देगी नहीं तो हम होंगे तो हमें मिल जाएगा ओके इसे क्या बोलते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस हमें पैसे मिलते हैं फिक्स टाइम पीरियड के बाद जो हमने पहले से डिसाइड किया था ओके then this was whole life insurance, whole life and endowment insurance. okay. now we will see general insurance. there are three types of general insurance. good transportation, fire insurance and other forms of general insurance. okay. first one is good transportation insurance. ठीक है? इसमें क्या? जब हमारा गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक place से दूसरी जगह जाता है transport होके, तो उसमें risk रहता है या तो वह आधा या पूरा लॉस हो, हो सकता है या डैमेज हो सकता है ठीक है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है रिस्की है कुछ भी हो सकता है तो इसलिए कंपनी क्या करती है इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेती है अपने जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे है उसका ताकि जो रिस्क है जो लॉस है वो कवर हो सके ओके तो ये क्या है गुड ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस इसमें भी तीन टाइप के हैं मेराइन है एयर है और रेल रोड है ओके मेराइन इंश्योरेंस क्या है जब हमारे गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है सी रूट के द्वारा सी से ठीक है तो मेराइन इंश्योरेंस में काउंट होता है जब उस गुड्स के लिए अगर हम इंश्योरेंस ले रहे हैं जो हमारा सी रूट से जा रहा है उसे हम मेराइन बोलेंगे जो बहुत ही कम खर्चे का होता है इकोनॉमिकल होता है चीप होता है और रिस्की भी कम होता है ठीक है उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है बट क्या है वो स्लो होता है हमारा जो गुड्स है वो स्लोली पहुँचेगा ये मराइन ट्रांसपोर्टेशन में पर रिस्क कम है और चीप है ठीक है जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है एक सी एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता है सी के द्वारा तो कंपनी क्या करती है अपने गुड्स को बचाने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए लॉस से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदती है ठीक है ताकि हमें कोई लॉस ना हो ओके लॉय्स ऑफ लंडन वाज़ द फर्स्ट टू स्टार्ट मैराइन इंश्योरेंस ओके ये मोर देन थ्री ट्वेंटी फाइव ईयरस से कंपनी मेंटेन की हुई है अपना इमेज ओके थ्री ट्वेंटी फाइव ईयरस से चल रही है सो दिस वाज़ मैराइन इंश्योरेंस देन एयर इंश्योरेंस ओके जब हमारा गुड्स एयर थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है ओके okay? वाया एयर हो रहा है तो उसे एयर ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं उसमें भी कर, रिस्क रहता है डैमेज का लॉस का तो कम हम लोग क्या करते हैं कंपनी क्या करती है अपने गुड्स को बचाने के लिए लॉस को कवर करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेती है ओके ताकि कुछ नुकसान होता है तो हमें लॉस ना हो ओके पर क्या है एयर ट्रांसपोर्टेशन क्या है कॉस्टली होता है रिस्की होता है ठीक है तो इसमें वही गुड्स जाते हैं जो बहुत ही हाई वैल्यू के होते हैं और वजन में कम होते हैं ओके हाई वैल्यू एंड लाइट वेट गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एयर सो इसके लिए क्या होता है कंपनीज अपने गुड्स को बचाने के लिए लॉस को कवर करने के लिए एयर इंश्योरेंस लेती है जिसका प्रीमियम हमें टाइम टू टाइम भरना रहता है ओके फिर क्या है रेल और रोड इंश्योरेंस है Okay? जब लैंड थ्रू हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है गुड्स का चाहे वो रेल से हो चाहे वो रोड से हो तो उसे क्या बोलते हैं रेल और रोड ट्रांसपोर्ट ठीक है उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व होता ही है चाहे चोरी हो जाए रास्ते में डकैती हो जाए हमारे गुड्स बिगड़ जाए डैमेज हो जाए तो उस लॉस को कवर करने के लिए हम लोग कंपनी क्या करती है रेल या रोड इंश्योरेंस लेती है ओके okay? जो हमें हम बचाता है रिस्क से हमें लॉस को कवर करने में मदद करता है सो दिस वाज मैराइन एयर एंड रेल रोड इंश्योरेंस सेकेंड क्या है फायर इंश्योरेंस ओके इसमें क्या इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हम आपको आपके आपको कंपनसेट करेंगे आपका लॉस की भरपाई करेंगे जब आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है मतलब आपने जो प्रोडक्ट के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है अगर वो आधा या पूरा डैमेज हो जा रहा है फायर के वजह से आग के वजह से डैमेज हो जा रहा है तो हम आपको इंश्योरेंस कवर करेंगे आपका लॉस कवर करेंगे आपको पैसे देंगे जिसके लिए कंपनी को क्या प्रीमियम भरना रहता है टाइम टू टाइम ओके एक फिक्स्ड प्रीमियम अमाउंट डिसाइड किया जाता है जिसे टाइम टू टाइम भरना रहता है और इंश्योरेंस कंपनी हमें प्रॉमिस करती है कि जब आपका लॉस होता है डैमेज होता है फायर की वजह से आग के वजह से तो हम आपको कंपनसेट करेंगे इसमें इस इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है ठीक है तभी हम अपने प्रोडक्ट की रक्षा करेंगे उसकी सेफ्टी रखेंगे अच्छे से उसे यूज़ करेंगे ओके सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है ये क्या था फायर इंश्योरेंस था लास्ट वन क्या है अदर जनरल इंश्योरेंस है ठीक है इसमें जो इंश्योरेंस फायर में कवर नहीं हो रहा है ठीक है जो इंश्योरेंस गो ट्रांसपोर्टेशन में कवर नहीं हो रहा है वो कहाँ पे आता है जनरल अदर जनरल इंश्योरेंस में आता है ओके इसमें क्या होता है इसमें भी टाइम टू टाइम हमें प्रीमियम भरना रहता है द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस हैज़ ग्रोन विद टाइम एंड न्यू टाइप ऑफ इंश्योरेंस अलग अलग तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी आई है जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है वैसे वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस मार्केट में आए हैं कोई सिंगर क्या करता है अपने वॉइस के लिए इंश्योरेंस ले लेता है कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले लेती है ताकि अगर कोई हम मुझे पैसे नहीं भर रहा है उसका भी इंश्योरेंस ले लिया जाता है व्हीकल्स का ले लिया जाता है ठीक है इंश्योरेंस फॉर लेबरर्स होता है एक्सीडेंट का होता है एम्प्लॉय इंश्योरेंस होता है स्टूडेंट इंश्योरेंस होता है ठीक है मेडिकल इंश्योरेंस मेडिक्लेम जो होता है वो जनरल अदर जनरल इंश्योरेंस में कवर है तो ये सारे क्या है अदर जनरल इंश्योरेंस के टाइप है ठीक है इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉस कॉज ड्यू टू क्लोजर ऑफ बिजनेस यूनिट कंपनी बंद हो गई उसका इंश्योरेंस पॉलिसी ठीक है तो ये सारे किस में कवर होते हैं अदर जनरल इंश्योरेंस में मेडिक्लेम और मेडिकल इंश्योरेंस इज़ टू कंपनसेट फॉर द ह्यूज मेडिकल एक्सपेंस अगर हमें बहुत ज़्यादा दवाइयों का खर्चा आ रहा है बड़े बड़े खर्चे आ रहे हैं तो हम मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं उसको कवर करने के लिए ठीक है जिसका हमें प्रीमियम भरना रहता है तो ये क्या था अदर जनरल इंश्योरेंस हमने क्या देखा टाइप ऑफ इंश्योरेंस लाइफ जनरल लाइफ में होल लाइफ एंड जनरल में गुड गुड्स ट्रांसपोर्टेशन फायर और अदर जनरल इंश्योरेंस दिस वॉज टाइप ऑफ इंश्योरेंस ओके देन वी हैड सीन प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस ओके इंश्योरेंस क्या हुआ था प्राइवेट सेक्टर में हुआ था इंडिया में इंश्योरेंस वॉज इनिशिएटेड बाई प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया ठीक है ब्रिटिश लोगों ने इसे चालू किया था इंश्योरेंस बिजनेस को इंडिया में ओके okay? पर कई लोग क्या है गलत प्रैक्टिस कर रहे थे इसमें तो इंडिया ने क्या किया लाइफ इंश्योरेंस खुद का खोला लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खुद अपनी इंडियन कंपनी सेटअप की गई ताकि हम ब्रिटिश के जो लोग हैं जो गलत प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं ठीक है थीके? जो हमें लॉस करवा रहे हैं हमें क्या गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं ठीक है उससे बचने के लिए उनसे बचने के लिए इंडिया ने क्या किया खुद की इंश्योरेंस कंपनी सेटअप की लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ओके सभी लोग इससे ही फिर पॉलिसी लेने लगे इसकी मोनोपोली हो गई मार्केट में सभी लोग एल से ही पॉलिसीज ले रहे थे ओके जनरल इंश्योरेंस भी ब्रिटिशर्स ने ही हमारे इंडिया में चालू किया था ठीक है पर धीरे धीरे क्या हुआ वो नेशनलाइज होने लगा इंडियन कंपनीज़ आने लगी जनरल इंश्योरेंस में भी ओके जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का नेशनलाइजेशन एक्ट पास हुआ था नाइनटीन सेवेंटी टू में ओके okay? इन सभी को जो इंडिया में इंश्योरेंस पॉलिसीज कंपनीज़ खुल रही थी एल जनरल इंश्योरेंस की अलग अलग कंपनी उनको देख रेख के लिए उनकी देख रेख के लिए उनका काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है एक कमेटी बनाई गई थी कुछ लोग को अपॉइंट किया गया था ठीक है ताकि वो इन कंपनियों को अच्छे से देख रेख करें उनकी वर्किंग पे अपनी नज़र रखें ओके ताकि कोई नुकसान ना हो जो इंश्योरीज़ है जो पॉलिसी होल्डर्स है जो पॉलिसी ले रहे हैं उनको कोई लॉस ना इसके लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इर्डा का सेटअप किया गया था 1999 में ओके okay, ये चालू किया था कंट्रोल के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी खुल रही थी उनके लिए हमने इर्डा के बारे में पढ़ा था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में देखा था ये सुप्रीम अथॉरिटी है सुप्रीम ऑटोनोमस एंड लीगल इंस्टीट्यूशन है, है इंश्योरेंस में ओके विच मैनेजेस द रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस फील्ड का सुप्रीम ऑथॉरिटी किसके पास है इडा के पास है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ओके वही चीज़ें सारी कंट्रोल करता है रेगुलेट करता है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कराता है उसका एक्ट कब पास हुआ था नाइन्टीन नाइन्टी नाइन में ठीक है जब यह एक्ट पास हुआ था तो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के नए दरवाजे खुल गए थे कई सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी चालू हुई थी ठीक है फ़ॉर एंड टू फॉरन इंश्योरेंस भी फ़ॉरन इंश्योरेंस कम्पनीज़ भी हमारे इंडिया में खुल रही थी ओके छब्बीस परसेंट तक फॉरन इंश्योरेंस कंपनीज हमारे इंडिया में खुल रही थी जो कि दो हज़ार पंद्रह में फोर्टी नाइन परसेंट हो गया ठीक है सो फॉरन इंश्योरेंस कंपनी कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली इन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी अप टू फोर्टी नाइन परसेंट और फिर हमने क्या देखा था मेन ऑब्जेक्टिवस ऑफ इडार देखा था इडा का ऑब्जेक्टिव क्या है सबसे पहले पॉलिसी होल्डर्स जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस मिले मार्केट में हेल्दी कंपटीशन बना रहे जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है उनके बीचों में बीच में ठीक है ताकि जो इंश्योरेंस होल्डर है उनको प्रीमियम कम भरना पड़े उनको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए जो बहुत अच्छी हो ठीक है और कम प्रीमियम के साथ ठीक है नए नए रिसोर्सेज आए इंश्योरेंस में ठीक है मोबलाइज ऑफ मोर रिसोर्स फॉर दी इकोनॉमी सेल्फ डिसिप्लिन बनाने के लिए इसको एडा को चालू किया गया था इंश्योरेंस कंपनी अच्छे से काम करें सेल्फ डिसिप्लिन बना रहे तो एडा का काम है ये देख रेख करना ओके टू क्रिएट अ मैकेनिज्म फॉर कंप्लेंट रिड्रेसल एडा कंप्लेंट रिड्रेसल का भी काम करती है उसका ऑब्जेक्टिव है जो भी प्रॉब्लम्स जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसे सॉल्व करती है इंश्योरेंस होल्डर्स के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको पैसे नहीं मिले कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसे सॉल्व कौन करता है इर्दा करता है ओके तो हमने क्या देखा इंश्योरेंस रेगुलेटिंग डेवलपमेंट ऑथॉरिटी के बारे में हमने रिवाइज़ किया ओके फिर हमने क्या देखा था पोस्टल सर्विसेज़ के बारे में देखा था पोस्टल सर्विस क्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिटर्न इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के तो, को बनाए रखने में ओके वो बहुत ही एसेंशियल है एक इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह स्पीडली पहुंचाने में बिना रुकावट के पहुंचाने में ओके यही सर्विसेज प्राइवेटली भी चालू हो गई है कुरियर सर्विस चालू हो गया अंगाडिया देखने को मिलता है ओके जो हम इंडिविजुअल्स और बिजनेस यूनिट्स को बहुत हेल्प करता है ईजीली स्पीडिली बिना रुकावट की इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाती है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट चालू किया गया था ओके प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर मोर देन वन फिफ्टी ईयर्स इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट हमारे इंडिया में काम कर रहा है डेढ़ सौ साल से ओके okay? ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अदर देन पोस्टल सर्विसेज़ के जैसे कि मनी ऑर्डर की भी फैसिलिटी है डिपॉजिट्स कर सकते हम पैसों की सेविंग प्लान्स है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है रूरल स्कीम्स तो ऐसी अलग अलग सर्विसेज़ भी पोस्टल डिपार्टमेंट हमें प्रोवाइड करता है ओके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी देता है म्यूचुअल फंड्स में सो ऐसे कई सारे स्कीम्स हैं जो पोस्टल डिपार्टमेंट ने चालू किया है पोस्टल सर्विस के अलावा भी आप रिटायर हो रहे हो उसके पेंशन के लिए भी सर्विस है ठीक है तो बैंकिंग सर्विस के प्रोवाइड करने के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट को लाइसेंस मिल गया है जिसके वजह से वो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ओके देर आर मोर देन वन फिफ्टी वन लैख फिफ्टी थाउजेंड पोस्ट ऑफिसेस इन इंडिया आउट ऑफ विच नाइन्टी परसेंट आर सेटअप इन रूर ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर है रूरल एरियाज में सेटअप है ओके okay? सो so, एक सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है पोस्टल सर्विसेज ठीक है ये हम नेक्स्ट अपने रिवीजन लेक्चर में ये पॉइंट्स कवर करेंगे ओके फॉर दिस रिवीजन क्लास वी विल स्टॉप विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्टल सर्विसेज टॉपिक एंड वी विल कवर द वेरियस सर्विसेज विच इट प्रोवाइड्स इन आवर नेक्स्ट रिविजन क्लास ओके टैन All of you, goodbye. Have a good day. Okay.